मीरा रोड में 25 किलो गांजे के साथ दो लोग गिरफ्तार। मीरा भाईंदर पुलिस द्वारा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान क्लीन शुरू किया गया है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय बनने के बाद पुलिस कमिश्नर दयानंद दाते ने मीरा भाईंदर शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस स्थानीय नागरिकों को जागरूक कर उनकी मदद से नशेड़ियों, ड्रग पेडलरों और नशे का व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर शहर को नशा मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। नशा मुक्त अभियान के तहत मीरा रोड पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शांति नगर परिसर से दो आरोपी प्रदीप भोलानाथ दुबे, संतोष पांडे को 25 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी मुंबई खार के रहने वाले हैं। मीरा रोड डिवीजन के एसीपी विलास सानप ने मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए शहरवासियों से यह अपील की है कि अपने आसपास किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक काम, नशे का सेवन या फिर व्यापार हो रहा हो तो उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दे। पुलिस सूचना देने वाले जागरूक नागरिक का ना तो नाम उजागर करेगी और ना ही पुलिस स्टेशन या कोर्ट में बुलाया जाएगा। सब पत्रकार भाई बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दाते साहब, सह पुलिस आयुक्त श्री एस जय कुमार साहब और हमारे जोन वन मेरा भाईंदर के डीसीपी श्री अमित काले, इनके मार्गदर्शन में हमने ये मेरा भाईंदर में एंटी ड्रग कैंपेन चलाया है। इससे जनता और पुलिस की सहभाग से हर एक कप्पे कप्पे पे जाके पुलिस जनता को अवेयरनेस कर रही है कि ऐसी ड्रग पेडलर, ड्रग एडिक्ट ऐसे लोगों को मालूमात करे, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे। इसीलिए जनता का भी सहवास बहुत अविभाज्य है, अनिवार्य है। इसलिए यह कैंपेन इधर मिरावड़ के सीनियर पीआई श्री संदीप कदम और उनकी टीम ने बहुत अच्छे तरह से चलाया है। उसका नतीजा ये निकला कि आज 11/11/2020 को एक जागरूक नागरिक इधर ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने दिया है कि दो लोग शांति पार्क में सस्पेक्टेड या तरह से माल या कुछ थैलियाँ लेके घूम रहे, प्लीज़ उनको उनके ऊपर ये तहकीकात किया जाए। इसलिए हमारे मिरावड़ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री संदीप कदम, एपीआई श्री शिवकुमार गायकवाड़, महिला पुलिस उपनिरीक्षक स्वप्नाली पलांडे, पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश कांबळे, पुलिस हवालदार काळूराम काळडोके, पुलिस नाईक विजयेंद्र दिवेकर, पुलिस नाईक संतोष पाटील, पुलिस नाईक गणेश चौकोर, इन्होंने बहुत अच्छा तरह से ये जाल बिछा के दो सस्पेक्ट लोगों को हिरासत में ले लिया शांति पार्क में। उनके पास से जो माल मिला और अच्छी तरह से तहकीकात करके उसके पास जो माल था उसमें 25 किलो 400 ग्राम गांजा ये मिला है। वो दो लोगों के नाम प्रदीप भोलानाथ दुबे, संतोष रामबरम पांडे, दोनों रहने वाले खार जवाहर नगर मुंबई के हैं। उनके ऊपर मिरावड पुलिस स्टेशन में CR नंबर 262/2 NDPS एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है और गुना की तहकीकात चालू है। और मैं सबसे जो हमें जागरूक नागरिक ने इन्फॉर्मेशन दिया उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और लोगों को और अपील करता हूँ हमारे CP साहब के और एडिशनल CP DCP साहब और हमारे सब टीम की तरफ से कि ऐसे लोग जागरूक नागरिक आगे आए और ये हमें एंटी ड्रग कैंपेन में हमें हमारा साथ बढ़ाए, हमें अच्छा मालूमात ये करे। और दूसरा और भी एक कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भी नाम नहीं आएगा, आपको कोई भी आप फिरियाद दे दो या साथ में ये करो, आपका कोर्ट का या कुछ आपको कोर्ट में या कुछ आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जनरली आपके जनता के मन में रहता है कि पुलिस अगर हमें इन्फॉर्मेशन देगी तो कोर्ट में बुलाएगी, पंचनामा या फरियाद दे दो बोलेगी, वैसा कुछ भी आपको पूछा नहीं जाएगा। पुलिस तब सहकीकत करेगी क्योंकि अपने को ये ड्रग्स ये आने वाली पीढ़ी
अच्छा रखने के लिए ये ड्रग एडिक्ट और ये ड्रग पैडलर है इसको इसका मीरा भाईंदर से और आप आयुक्तालय से समूह उच्चाटन करने के लिए आपकी जनता की मदद होगी और ये आपकी जनता के सिवा और आपके पत्रकार बंधुओं के सिवा सब हमें आसान हो जाएगा। इसीलिए हम सबका शुक्रगुजार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।